मनुष्य मन विभागे चैतम नहीं हो पड़ा, ये मुख्य चीज है।
जैसे जैसे आप मन के मुंह खोलेंगे आपको भेद दिखने लग जाएगा। आप समाधि में जाइए, सुषुप्ति में जाइए, मन पे एकाग्र करिए तो भेद नहीं दिखेगा। तो तब तक मन एकाग्र हो कैसे? तब आत्मसत्य अनुभव लेना न संकल्प जगह एक मात्र ये आत्मा ही पारमार्थिक अधिष्ठानी सत्य है। अनुभव शास्त्र आचार्य बापों को गुरुमुख के सुन करके बार बार विचार करने पर निश्चय हो जाए ये जगत में पारमार्थिक सत्य के। इसके फलस्वरूप जब सत्य वस्तु नहीं है तो इसके लिए मन विचार ही ना करे। इस प्रकार स्वप्न में देखे हुए वस्तु को लेकर के हम उठ करके विचार नहीं करते। ठीक इसी प्रकार से माया नेत्र में जब खुल जाते हैं माया नेत्र सूर्य के बाद जागृत वस्तु के विषय पर निश्चय हो जाने पर मन इसके लिए संकल्प बनाओ मनुष्यम तरा जाके क्राई न भावे तलक है ना, तब मन अमर हो जाता है। तो क्या होता है ग्रहण करने जो कोई वस्तु है ही नहीं, संकल्प करने जो कोई वस्तु है ही नहीं, फलत है फिर मन किसी बाहरी विषय को संकल्प नहीं कर। ठीक है यहाँ तक तो समझ में आ गया। आज तक हम लोगों ने जो भी कुछ समझा कैसे समझा मन और बुद्धि के द्वारा समझा। अब जब आत्मज्ञान आपको होना है तब तो मन की नहीं है तो बोध कैसे होगा, तो बोध कैसे होगा, तब इस संकल्प का समाधान करने के लिए संसार में जो भी कोई वस्तु हम जानते हैं वो जड़ है तो स्वयं प्रकाश नहीं है। इसलिए उसको प्रकाश करने के लिए किसी को चाहिए आत्मा स्वयं प्रकाश है। इसलिए उसकी बोध के लिए किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। आप नियंत्रण में इसको मन में रखते हुए जो 33 नंबर श्लोक का हम लोगों ने पढ़ लिए थे दोबारा सब मिलकर एक साथ पढ़िए। अकल्प कमजं ज्ञानं तेना भिन्नं प्रचक्षते ब्रह्मतेयं अजं नित्यं अजेयं विबुध्यते। समस्त कल्पना से रहित जन्म रहित जो ज्ञान है वो ज्ञान और ज्ञेय में कोई भिन्नता नहीं है। जिसको शास्त्र में बोलते हैं क्या कि उस ज्ञेय तत्व को तुमको बताऊंगा, वो ज्ञेय तत्व जो ब्रह्म व्यापक तत्व है उस तत्व ज्ञान स्वरूप ही है, वो तत्व ज्ञान स्वरूप ही है। इसीलिए जानने जो जिसको शास्त्र में जानने के लिए कहा वो तत्व ज्ञान स्वरूप होने के कारण उसको जानने के लिए कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है। वही एक जन्म रहित तत्व अपने को जन्म रहित स्थिति में रहकर ही उसको जानते हैं। अकल्प अकल्पकम अजम ज्ञानम ज्ञाभिन्नम प्रत्यक्ष ज्ञ वस्तु के ज्ञ और ज्ञान में कोई भिन्नता नहीं है ऐसा कहा जाता है। तो ज्ञ कौन है, तो ब्रह्म ज्ञ है। और व्यापकता अपने शुद्ध होता ब्रह्म ज्ञान होता, अपने अशुद्धता पूर्णता व्यापकता मैं हूँ इस विषय में किसी का शंका नहीं है। परंतु मैं क्या हूँ, मैं मनुष्य हूँ। और जानना किस रूप में असंग व्यापक, इसलिए ब्रह्म ज्ञ अपने स्वरूप इस रूप में जानना है। और यह जन्म से नहीं अजम अजय न अजम विद्युत इस प्रकार एक जन्म एक तत्व उसके जन्म एक तत्व अपने आप को समझ जाते हैं। ये श्लोक का मूल अब देखिए इसके ऊपर भाष्य का टीका क्या होता है। टीका है मन सभी टू सेवन पेज। मनुष्य मनस्तम व्यावर्तते मन में रहने वाले जो धन्य मनस्त मतलब मनन करने के सामर्थ्य बोध के सामर्थ्य यदि वही निकल गया मनुष्य अमन ही पाते तो वही निकल गया तभी कथम आत्मावबोध तब आत्मा का आत्मसंबंधी बोध कैसे हो सकता है। क्यों व्यंज्य को अभाव क्योंकि प्रकाशक के अभाव होने के कारण वो प्रकाश वस्तु कैसे प्रकाशित होगा। व्यंजक मतलब प्रकाशक, प्रकाशक के अभाव होने के कारण प्रकाश होने जो तो वस्तु कैसे प्रकाशित होगा। ये देश जो प्रकाशक है जगत जो प्रकाश वस्तु है अंधेरे में आपको दिखाई नहीं पड़ता, उदय होता है दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पे भी प्रकाशक नहीं है तो प्रकाश वस्तु के प्रकाश कैसे होगा। अब यहाँ पे क्या है स्वयं प्रकाश है इसलिए शब्द ही ऐसा प्रयोग किया। व्यंजक अभाव यदि आशंका हो अब अकल्पकम अजम ज्ञानम ज्ञाभिन्नम प्रत्यक्ष मतलब विकल्प रहित ज्ञान रहित जो ज्ञान है वो ज्ञान ज्ञेयों से अभिन्न है। ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय भेद बिल्कुल ही भेद नहीं है। जो ज्ञान है वही जानते हैं अपने आप ही अपने को जानते हैं स्वयं प्रकाश होते हैं। अब जो है और वो कैसे है कि मैं व्यापक हूँ ब्रह्म ज्ञेय व्यापकता ही यहाँ पे ज्ञेय है शुद्धता यहाँ पे ज्ञेय है ना। बाकी हम तो जानते हैं कि मैं हूँ क्या नहीं जानता हूँ कि मैं असंत हूँ मैं व्यापक हूँ क्या जानता हूँ मैं स्वार्थता हूँ मैं भोगता हूँ बस इतना ही मतलब ज्ञान किसके लिए होता है ब्रह्म अपने व्यापक होता है ज्ञान है ना।
वो क्या है, उसका पता नित्य है। नित्य तो नित्य तो प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए अजम शब्द को दिया हुआ है, क्योंकि अज के बिना नित्य नहीं हो सकता। इसलिए जो जन्म वाला होगा जस्तम तत् अनित्य, जो जन्म वाला होगा मृत्यु वाला भी होगा। जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु, इसलिए अजम शब्द जो दिया हुआ है वो नित्यत्व के हेतु है। इस प्रकार से जन्म रहित तत्व के द्वारा जन्म रहित तत्व को जाना जाता है, मतलब वास्तविक गौर ऐसा कि ऐसा ज्ञान नहीं है जो ज्ञान हम यहाँ पर अनुभव करते हैं। इसलिए वो सावधानी से पुस्तक पढ़ के भी जो बुद्धि में ज्ञान होता है, जो बुद्धि का विषय है, वो ज्ञान आत्मा ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान आत्मा ज्ञान नहीं है, है ना। परंतु वो ज्ञान उस आत्मज्ञान को अभी होगा, जैसे ही मन वासना रहित हो जाएगा, शास्त्र संबंध विचार करते करते जगत में सत्य तो कहीं बाहर वस्तु का संकल्प नहीं करता, शुद्ध सच मन में स्वाभाविक रूपता हो जाता है, सामने आता है। अब देखिए यहाँ पे टीकाकार आगे लिख रहे हैं, श्लोक व्यावर्त्याम संख्याम, श्लोक के द्वारा निराकरण करने के जो शंका है उसको कहते हैं भगवान भाष्यकार। यदि असत इदम दैतम तही केदम स्वम अजम आत्मतत्व विरुद्ध, यदि द्वैत प्रपंच असत है, यदि द्वैत प्रपंच अहम असत मतलब बंधन पुत्र यश असत नहीं है, मिथ्या है, असत मतलब बिल्कुल दिखाई नहीं होता, ये बात नहीं है, ये दिखाई पड़ते हैं कभी इस रूप में दिखाई पड़ते, इस रूप में प्राप्त नहीं होता। यदि असत इदम द्वैतम कहीं के न स्वम, किसके द्वारा, किस करण के माध्यम से, है ना, बंध करण तत्व मिथ्या है, इसलिए के न स्वम अजम आत्मतत्व, आप मैं जो जन्म रहूँ जो हमारे स्वरूप पुत्र है उस तत्व को कैसे जाना जा सकता है, विरुद्ध देगी पूर्वादि गुण है ना। मन ही मुख्य है द्वैत प्रपंच में, हमने क्या बोला कि मनोविश्वम इदम द्वैतम, तो मन को मुख करके संसार को आप देखते हैं, उसमें मुख होता मन की, ऐसे मनोमुख्य दैतस्य द्वैत प्रपंच का असत्य, यदि वो है नहीं सत्य हो जाएगा, मतलब मन भी उस द्वैत प्रपंच का अंतर्वादी है ना। इसलिए व्यंजक अभाव, उसके प्रकाशक के अभाव होने के कारण न आत्मबोध संभव अधिकार, आत्मज्ञान कभी होगा ही नहीं। जैसा हमारा सामान्य लगता है कि विषय का इंद्रियों के माध्यम से बुद्धि के माध्यम से ज्ञान होते हैं, परंतु जब ये दोनों ही काम के योग्य नहीं है, है ना, नहीं तो वाचा न मनुष्य प्राप्त हो सकते, न चक्षु वाणी से कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय मन कोई भी इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो है कैसे तो ज्ञान होगा, मनोमुखस्य असत्य व्यंग्य को अभाव न आत्मबोध संभव, इसको भी व्यक्त करने के लिए प्रकाश के नहीं होने के कारण आत्मबोध होना संभव नहीं होगा। और दूसरी बात क्या है, श्रुति जो ये बोलती है मनसा एव अनुष्टव्य नहीं होना स्थिति, आगे बात को नहीं बोलेंगे हम, केवल इतना बोलेंगे कि मनसा एव अनुष्टव्य नहीं होना स्थिति, ठीक है ना। मन के द्वारा ही समझना है और मन में ही अपने भेद मान रखा तो क्या हो जाएगा, यही समझना है, यही समझना है कि जिसके द्वारा मैं समझ रहा हूँ वहाँ तक भी मिलता है। इसलिए तो जिस प्रकार स्वप्न में देखे हुए जो भी वस्तु का ज्ञान होता है वो ज्ञान क्या होता है, मिथ्या ज्ञान होता है, क्योंकि इसी प्रकार जागृत में अज्ञान अवस्था में जो भी कुछ ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान के परमार्थिक ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो स्वरूप जो ज्ञान वो परमार्थिक ज्ञान, ये ज्ञान तो कभी क्या करता है, कभी रहता है कभी नहीं रहता। मनसा एव अनुष्टव्यमिति श्रुते, मन के द्वारा ही इसको जो है गुरु गुरु वाक्य को सुन करके मन के द्वारा ही इसको देखना चाहिए, इस प्रकार श्रुति वाक्य होने के कारण मन से भिन्न ही कोई अभिव्यंजक प्रकाशक कोई वस्तु होगा, ऐसा यदि कोई बीच में शंका किया, बीच में बोला कि नहीं मन से अतिरिक्त कोई प्रकाशक, हमारे बहुत प्रकाशक कौन है, वेदांतिक सिद्धांत कौन सा, मन प्रकाशक है कि आत्मा प्रकाशक है, आत्मा प्रकाशक है, तो मन से भिन्न कोई प्रकाशक कम मानते, दूसरे वाले नहीं मानते, तो बोलते हैं कि मन अतिरिक्तम एव स्यात् किंचित् अभिव्यंजक, मन से भिन्न ही कोई वस्तु अभिव्यंजक होना चाहिए। इस शंका को निराकरण करने के लिए जो वाले कहते हैं कि मन नहीं रहेगा तो ज्ञान कैसे होगा, वो बच्चे होते नहीं नहीं मन चला जाएगा तो ज्ञान नहीं होगा, इसलिए बोलते हैं इस शंका को निराकरण करने के लिए मन सा एव अनुष्टव्यमिति श्रुति, हाँ मन के द्वारा ही उसको जाना जाता है, ये श्रुति वाक्य को मन के कारण। देखिए मन सा एव अनुष्टव्यमिति के अभिव्यक्त अर्थ क्या है,
परिकार बोलते हैं मनसा एव अनुदृष्टेति सुकिस्तु वृत्ते आवरण मन जगत मात्र बोधन प्रजावशना प्रजावशना न न ब्रह्म प्रकाशकत्वं अभिधातुं अलम इति विभागनीयम्। जो मनसा एव अनुदृष्टेति में इसका अभिप्राय क्या है, मन के द्वारा ही ब्रह्माकार वृत्ति को बनाया जाए। उस ब्रह्मकार वृत्ति क्या है, जागतिक वृत्ति अपना अज्ञानात्मक वृत्ति को नाश करते हैं, अज्ञानात्मक वृत्ति को नाश करके वो आकार वो अपने आप नाश हो जाता है। केवल शुक्र ब्रह्म ही बचता है, वो ब्रह्म का प्रकाशक नहीं है, वो अज्ञान का निवर्तक है। इसलिए वो क्या है, क्योंकि हमारा जो अपरक्ष अज्ञान है तो अपरक्ष अनुभव के द्वारा ही बिकेगा, वो अपरक्ष भाव को बनाने के लिए ब्रह्मकार वृत्ति को बनाना पड़ता है। इसलिए मनसा एव अनुदृष्टव्यम इति श्रुतिस्तु, ये श्रुति वाक्य तो वृत्ति ब्रह्मकार वृत्ति वृत्ति का आवरण भंजकत्व मात्र बोधन पर्यावसन्ना है ना, वो क्या होता है आवरण मात्र को भेद करने मतलब हटाने वाला वृत्ति आवरण भंजकत्व आवरण की भेद करना मात्र बोधन पर्यावसन्न वृत्ति जो है क्या करते हैं आवरण मात्र को भेद करते हैं। ना ब्रह्म प्रकाशन तब वृत्ति ब्रह्म को प्रकाश नहीं करता, क्या होता है ब्रह्म तो स्वयं प्रकाश है अपने प्रकाशित होते हैं। वृत्ति क्या करते हैं अन्न वृत्ति को रोक देते हैं, अन्न ब्रह्मकार वृत्ति अथवा आत्माकार वृत्ति क्या करता है जागतिक विषयात्मक वृत्ति को रोकते हैं। विषयात्मक वृत्ति को रोकने का अभ्यास करेंगे तब क्या हो जाएगा अंतकरण शुद्ध हो जाएगा। यह अंतकरण शुद्ध अंतकरण में जो है शुद्ध चेतन के प्रतिफल स्पष्ट रूप में समझ में आते अपने आप ही प्रकाशित होते हैं। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि मन अतिरिक्तम ये शायद किंचित अभिव्यंजकम यदि आशंकम अपनुगति शंका को निराकरण करते हैं मनसा एव अनुदृष्टव्यम मन से जाना ये पूर्व वाले ऐसा बोलने पर मनसा एव अनुदृष्टव्यम यदि श्रुति श्रुति बात को भी अर्थ है क्या वृत्ति है मतलब ब्रह्माकार वृत्ति का आवरण भंजकत्व मात्र बोधन पर आवश्यक है। ब्रह्माकार वृत्ति के बना तो आवरण को भेद कर देते हैं, आवरण को हटाते हैं। जिस प्रकार ये टेबल पे कपड़ा ढका हुआ है हमने आवरण को हटा दिया टेबल पे ये भी भेद करता है। इसी प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति क्या करते हैं हमारा जो विषयकार वृत्ति जो हमारी अज्ञान को मतलब ज्ञान को ढक रखा उसको जो है हटा देते हैं तो ज्ञान अपने आप अभी तक हो जाता है। इसी के मात्र न ब्रह्म प्रकाश अभिधान तो मतलब वो ब्रह्म प्रकाश करने के लिए वो काम करेगा ये बोलने में ये समर्थ नहीं है क्योंकि विभावनीय ऐसे ना के समझना चाहिए। तो मनुष्य एक अनुदृष्ट गणित श्रोते मनुष्य असत्य अंगीकार शास्त्री क्या बोलती है पूर्ववादी बोल रहे हैं क्योंकि पूर्ववादी बोलती है मन के द्वारा जानना चाहिए और तुमने क्या बोला मन के असत्य मन मन में मन की सत्य ही नहीं मन अमन हो जाता है तो ज्ञान कैसे होगा ज्ञान कैसे होगा। ज्ञान बोलते हैं मनुष्य असत्य अंगीकार तुमने ऐसा माना क्योंकि अर्थ ऐसा पूर्ववादी शंका करने का पूर्ववादी की शंका की अभिप्राय है ना। कोई भगवान भाष्यकार की पंक्ति क्या है शंका है यदि असत इदम द्वैतम तरी के स्वम अजम आत्मतत्व विबुद्धते शंका के पीछे यह अभिप्राय है। यदि मन ही काम नहीं करेगा तो हम कैसे समझेंगे क्या वस्तु है ऐसा पूर्ववादी का श्रुति वाक्य के आधार पर अपने पक्ष में प्रमाण भी दिया मनुष्य पर द्रष्टव्यम है ना। आपने उसी मन को अमन कर दिया तो ज्ञान कैसे होगा। अब उत्तर देने के लिए हमारे भाव क्या है सिद्धांत की कहते हैं कथा स्वरूप भूतेन ज्ञानेन एव आत्मन अवबोध संभव न अतिरिक्त मनुष्य अपेक्षा करम आह। ठीक है बोल देते स्वरूप भूते न ज्ञान न ज्ञान क्या है हमारा स्वरूप है ना स्वरूप ज्ञान मतलब ज्ञान क्रिया नहीं है वहाँ पे जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश सूर्य प्रकाश स्वरूप है वहाँ पे सूर्य में प्रकाश की कोई क्रिया नहीं होती ठीक इसी प्रकार की हमें जो है ज्ञान हमारा स्वरूप है यहाँ पे ज्ञानात्मक कोई क्रिया नहीं है। बाकी जो ज्ञानात्मक क्रिया होता है मतलब घट को जाना पट को जाना मन को जाना गणित को जाना न्याय दर्शन को जाना ये भी सब हम जानते हैं कि तो बोलते हैं क्या बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं स्वरूप भूते न ज्ञाने न एव आत्मन अवबोध संभव स्वरूप भूत ज्ञान से ही आत्मा का अवबोध साक्षात्कार हो जाने होना संभव होने के कारण है ना होना संभव होने के कारण न अतिरिक्त मनुष्य उससे भिन्न करते कि मन की अपेक्षा नहीं अतिरिक्त मनुष्य न अपेक्षित अपेक्षा उससे भिन्न करते कोई मन की अपेक्षा नहीं है क्योंकि उत्तर महाभ इसको मन में रखते हुए उत्तर को कहेंगे अब भाष्य ना के लिए उच्चते एक यहाँ से भाष्य का के लिए घेर ऊपर मतलब जोड़ दिया भाष्य का के पंक्ति क्या है मेरा सिद्धांत के मन में क्या है उस पर जोड़ दिया था। तब बोलते हैं भाष्य न्याय अकल्पकम मतलब क्या हो गया
सर्वकल्पनावर्जितम्। सर्वकल्पनावर्जितम् है जो भी कुछ है, ये विकल्प एक शब्द योगदर्शन में बड़े सुंदर आते परिभाषा किया, शब्द ज्ञान बाकी वस्तु शून्य विकल्प है ना। शब्द तो आपको प्रयोग करेंगे हम, अब पारमार्थिक कोई वस्तु नहीं, उसके लिए बड़े सुंदर भगवत भाष्य का श्लोक मैंने सुने आते हैं आपको, कई कई पशु ये भी है क्या, मृगदृष्णाम स्नात हम पुष्पकृत शेखर येषु हंथा शुभ हो जाती सशस्त्रिंग धनुर्धर है ना। तो ये देखिए हमको लग रहा है कि जैसे कोई व्यक्ति जा रहे हैं हाथ कृष्ण उठा भी ले करके मुकुट लगा करके और जहाँ मृग कृष्णम वशिष्ठम गंगा जी में नहा करके, ये सब ऐसे लग रहा है कि जैसे सब शादी बोलते हैं, परंतु हमें कोई भी घटना नहीं घटी, परंतु मन में वस्तु सुंदर शब्द ज्ञान अनुपति शब्द ज्ञान का अनुसरण करके बुद्धि में कुछ, जैसे कि हमारा अन्य व्यक्ति को नहाते हुए मैं देखता हूँ, अन्य व्यक्ति को जाते हुए देखता हूँ, कोई मुकुट पहना हुआ व्यक्ति को हमने हमें देखा, कोई धनुर्धर व्यक्ति को देखा, बस उसी के साथ तुलना करके मन ही मन कुछ एक व्यक्ति बना लेते हैं, वास्तविक वस्तु है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी ये बोलते हैं अकल्पकम सर्व विकल्पना वर्जितम, अकल्पकम का समस्त कल्पना से रही है ना कल्पना। अब जब मन निश्चय हो जाता है क्या ये जो शब्द मात्र प्रयोग है वास्तविक के विषय वहाँ गए नहीं, तो अमनस्तंकल आ जाते हैं ना, तो मन अमन हो जाता है। अतएव अजम, इसीलिए वो जन्म रहित जो ज्ञान है, अजम ज्ञानम अतः ज्ञाप्ति मात्र बोध स्वरूप है, ज्ञाप्ति बोध स्वरूप है, इस प्रकार के ज्ञान है वो, एक मतलब ज्ञान न्यूट्रल जेंडर होते हैं, इसलिए ना यहाँ के नमने के लिए है ज्ञान ज्ञेन परमार्थ सदा ब्रह्मणा, जो ज्ञेय वस्तु है वो ज्ञेय वस्तु और जो पारमार्थिक सत्य वस्तु है, ज्ञेन परमार्थ सदा कौन है वो व्यापकता है ना, और ब्रह्मण अभिन्नम प्रत्यक्ष, ये ज्ञान और ज्ञेय में कोई भिन्नता नहीं है, ऐसा तत्ववेत्ता पुरुष के द्वारा कहा जाता है, ऐसा तत्ववेत्ता पुरुष ज्ञेन परमार्थ सदा ब्रह्मण अभिन्नम प्रत्यक्ष कथयंती कथयंती कर्ता कौन होंगे, सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकते हैं है ना, तत्ववेत्ता का पुरुष ऐसा कह सकते हैं, ऐसा निश्चय करके बोल सकते हैं है ना। इसलिए बोलते अत एव अजम ज्ञानम ज्ञाप्ति मात्र जन्म रहित जो ज्ञान मात्र केवल बोध स्वरूप है, वो ज्ञान जो जानने योग्य वस्तु है संसार विभाग का बोलते हैं इसको जानने ज्ञान और जो पारमार्थिक सत्य वस्तु है उसके साथ वो क्या है, पारमार्थिक सत्य क्या है व्यापकता, परिच्छिन्नता पारमार्थिक सत्य नहीं है, व्यापकता पारमार्थिक सत्य होता है, उस व्यापकता के साथ अभिन्न है मतलब एक ही है भिन्न नहीं है, इस प्रकार से कहते हैं प्रत्यक्ष कथयंती, उनको बोलते हैं ब्रह्मविदम ब्रह्मविदम पुरुष। ठीक है, यहाँ पे तीन चार पाँच तीन व्युत्पन्न दिखाई देते हैं। ठीक है, सर्व कल्पना वर्जितम, तो सर्व कल्पना इत्यादि मनोवत अवस्थांतर कल्पना रहितम, यथा मन कामादि अनेक आकार वस्तम भवति न तथा इदम आत्मस्वरूपम ज्ञानम अपरिणामी इति जागत। अब हमको यह समझ में आता है, क्या समझ में आता है, जो मतलब अपरिवर्तनीय वस्तु का समझ में आए, हम आपको उसको समझाने के लिए उसको हम सीधा सीधा नहीं दिखा सकते कि अपरिवर्तनीय वस्तु है, ये परिवर्तनीय वस्तु है, तो जो परिवर्तनशील वस्तु है उसको हमको दिखाते हैं, और इस प्रकार की क्रिया इसमें नहीं है वो तुम्हारी स्वरूप है। ठीक है, इसमें मन को हम देखते हैं, इसलिए होता है मनोगत मन के समान अवस्थांतर कल्पना, जो बार बार अवस्था की परिवर्तन करता रहता है जिसमें ये जो इससे रहित है, मनोगत अवस्थांतर कल्पना रहित है, मन में जैसे अवस्थांतर की कल्पना करते हैं इससे रहित है। अब उसको समझा रहे इसको संकीर्तन का, यथा मन कामादि अनेक आकार वस्त्रम भवति, मन क्या होता है काम क्रोध लोभ अनेक प्रकार के वृत्ति वाले मन होते हैं, कामादि अनेक आकार वस्त्रम भवति न तथा इदम आत्मस्वरूप, तब आत्मा ऐसा नहीं है, आत्मा केवल उसका प्रकाशक मात्र है, कोई परिवर्तन नहीं है, न तथा इदम आत्मस्वरूपम, आत्मस्वरूप है ज्ञान मात्र है, ज्ञानम अपरिणामी, वो ज्ञान अपरिणामी है, ज्ञान अपरिणामी है, परिणामी ज्ञान कौन है, वो किसी भी ज्ञान प्राप्त होता है तो परिणामी ज्ञान है, परंतु उसका प्रकाश है जो साक्षी है, मैंने ये समझा तो मैं नहीं समझा, ये जिसके रहने के कारण हम समझ पाते वो साक्षी अपरिणामी ज्ञान, वही मेरा स्वरूप, तो जो
अरे मनोवृत्ति बुद्धि वृत्ति में ज्ञातता ला देते हैं आत्मा अज्ञातता की बोध कर मतलब ज्ञातता एक ही चार काम करता है चाहे आप समझा चाहे नहीं समझा ये जिससे आप समझते हैं वो हमारा समझ वो अपरिणाम है वो केवल अपना ही विज्ञान को विज्ञान है विपद बोलना जाए है उसी को तो बोलते हैं कि अकल्पकम मतलब सर्वकल्पना वर्जित तीन नंबर टिप्पणी हो गया मनोवत अवस्थान्तर कल्पना मन के समान जो अवस्थान्तर हो गया वहाँ उस प्रकार कल्पना रहित है जिसके जिसके देखिए सीधा सीधा ब्रह्म पथ ईश्वर का नहीं दिखा सकते परंतु जो वस्तु दिखाई दे रहे हैं हमको इस वस्तु में जो धर्म है ये जहाँ पे नहीं है वो वस्तु इसके सिवा हमारे पास इसलिए नीति नीति करके बोला जाता है ये धर्म जिसमें नहीं है जन्म मृत्यु जरा भूख प्यास मूल रस मतलब रस्यत्व भिक्षत्व रोहितत्व कुछ इसमें कुछ भी नहीं है इसलिए यही इसको प्रतिपादन करने का यही उपाय है इसलिए बताए ज्ञानम अपरिणामी की जगह जो परिणाम है जो बोल स्वरूप है कोई ढंग के सर्वकल्पना करती है अतएव अजम मतलब अपरिणामी देव जो जन्म लेगा उसमें क्षय परिणाम होगा जायते अस्थि वर्धते विपरिणाम अपशीयते नश्यते अजन्म नहीं ले तो परिणाम कहाँ से होगा सुनते हैं कि अपरिणामी देव अतएव जो परिणामी नहीं है उत्पन्न नहीं होता इसलिए क्या होता है समस्त कल्पना पर किसी जन्म नहीं तो अजय है अतएव अजम अजम ज्ञानम मतलब बोध स्वरूप मात्र है ज्ञान जिसको जानने के लिए बोला जाता है वो दोनों भिन्न नहीं है ज्ञान और ज्ञान कोई भिन्न वस्तु नहीं है ज्ञान परमार्थ सता ब्रह्मण अभिन्न प्रत्यक्षते कथयन्ति ब्रह्मविद पांच नंबर कथयन्ति ब्रह्मविद विद्वत अनुभव सिद्धम इति अभिशन्ति अभिप्राय क्या है भगवान वासुदेव जी सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाएगा परंतु वेदांत के अनुभव की बात है इसको जानने के लिए और किसी की आवश्यकता अपने आप को जानते हैं इसको समझाने के लिए देखिए टीकाकार ऊपर खा रहे ज्ञेय अभिन्न ज्ञान की अप्रस्तुति उदाहरण है ना ज्ञेय और ज्ञान में भिन्नता नहीं है ज्ञेय अभिन्न ज्ञान इस विषय में यदि अत्र स्तुति उदाहरण की स्तुति को उदाहरण के रूप में कहती है भगवान भाषुका कहते हैं स्तुति को देख रहे नहीं विज्ञान दुर्विज्ञान तेरे भी परिलोक विद्यते दृष्टांत क्या दिया अग्नि विष्णुवत यहाँ पे देखिए दो षष्ठी अंत पर है विज्ञात इसका प्रातिपदिक क्या है विज्ञातृ विज्ञातृ ठीक है ना ज्ञा धातु मतलब जानने वाला जानने वाले जो अर्थशास्त्री मतलब जानने वाले का और एक हो गया विज्ञाते विज्ञातु विज्ञाते इसका प्रतिपदी क्या होगा विज्ञाति विज्ञातु इसका चतुर्थी एक वचन विज्ञाते है ना उसका जो है विपरिलोक नहीं होता अग्नि उष्णवत जैसे अग्नि जब तक जलती रहती है उसका दही का शक्ति नाश नहीं होता और अग्नि में जो मतलब जलना और पूछना जो जलना पूछना ऐसा नहीं है मतलब क्या है जिस वस्तु का जो स्वरूप है दृष्टांत तो क्या समझाने के लिए जिस वस्तु का जो स्वरूप है वो वस्तु जब तक रहेगा तब तक वो स्वरूप पूर्ण होकर बना रहेगा अग्नि की स्वरूप उष्णता है जब तक अग्नि जलती रहती है तब तक वो क्या है उष्णता प्रदान वो चाहिए हवा में दहन और दहन कार्य अभाव हो जाता है ठीक इसी प्रकार अब दृष्टांत दृष्टांत में फिर समता विषमता दोनों को समझने का कोशिश करना किसी भी जगह के कोई शब्द को आप प्रयोग करेंगे ना तो शब्द प्रयोग करते समय या ग्रहणीय है या अग्रहणीय है तो दोनों को मन में लाए तब अर्थ स्पष्ट हो जाता है किसी भी शब्द को प्रयोग करते समय ग्रहणीय क्या है और अग्रहणीय क्या है किसको निराकरण करना चाहते हैं किसको ग्रहण दोनों को मन में लाए तब आपको अर्थ स्पष्ट हो जाएगा तो विज्ञातु मतलब जानने वाले का जानने वाला कौन है तो ज्ञान
उस ज्ञान जानने वाले का जो ज्ञान है उस ज्ञान का कभी क्या होता है, उस ज्ञान का कभी जानते हैं उस ज्ञान का विपरीत रूप मतलब उसका विरुद्ध अभाव हो जाने का, तो अभाव हो जाना कभी भी नहीं होता, न विद्यते न ही ज्ञापुर विद्या विपरीत रूप विद्या तो कभी भी नहीं होता। जैसे अग्नि की उष्णता अग्नि की अपना स्वरूप कभी भी नाश नहीं होता। इसलिए क्या कहना चाहते हैं आपको यहाँ पे अजम ज्ञ उसको समझाने के लिए ये प्रयोग करके ये वाक्य प्रयोग कर दिया विज्ञान को विज्ञान के रूप में लोगों ने भी दिया। तो जिस शब्द को जिसको बोध कराने के लिए शुद्ध वाक्य को दिया ये शुद्ध वाक्य से उसका बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये अपने अंदर वेदांत तो विचार के ही है, वेदांतिक साधन नहीं है, शब्द को भर के भागने से नहीं होगा। भाष्यकार यहाँ पे क्या आगे कहने के आया कि ज्ञानम ज्ञातृमात्रम ज्ञेन परमात्र सका ब्रह्मण अभिन्नम अभिन्नम प्रत्यक्षते कथयन की ब्रह्मदी। इसको समझाने के लिए जो जन्म रहित एक ज्ञान है जिसका ज्ञान का, क्योंकि यदि वो जन्म वाला होता तो उसके भी परिणाम नहीं होता, पर श्रुति यहाँ पे क्या कहते इसका भी परिणाम नहीं होता, यानी कि ये जन्म रहित है ना, इसका इसका कभी नाश नहीं होता, हमेशा एक रूप में रहेगा। इसलिए नहीं विज्ञा दूर विज्ञा देर विपरीत विद्यते अग्नि उष्णवत। देखिए यहाँ पे छः नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ता है, ठीक है ना, छः नंबर टिप्पणी करते विज्ञा दूर सर्व प्रकाशक है ना, जो सबका प्रकाशक है विज्ञा दूर, तो ये षष्ठी अंत हो गया है ना सर्व प्रकाशक, क्योंकि आपका पंचमी या षष्ठी दोनों एक रूप दिखाई देता है, मातु पंचमी षष्ठी पीतु से कहा पंचमी की षष्ठी पाठ होता सर्व प्रकाशक ब्रह्मणो वेदांत वेद्यते न, समस्या का प्रकाशक कौन है ब्रह्म, तो जाना कहाँ से जाता है वेदांत से, वेदांत वेद की अंत था ब्रह्म से अर्थ जाना जाता है। विज्ञाति शब्दित ज्ञान से वो जो विज्ञाति शब्द के द्वारा जिसको कहा जा ज्ञान है ना, उस ज्ञान का अनया तत्स्वरूप बोधना इस पंक्ति के विज्ञापुर विज्ञात शब्द है वो ज्ञान उसका स्वरूप होता है, अनया तत्स्वरूप बोधना अच्छा ज्ञान अभिन्न ज्ञेय बोधकत्व दृष्टि का निश्चय हो जाएगा। इसके द्वारा अच्छा इसका ज्ञान अभिन्न अभिन्न ज्ञेय बोधकत्व इसका को क्या करना था, ज्ञान और ज्ञेय में भिन्नता नहीं है, ज्ञान अभिन्न ज्ञेय बोधकत्व दृष्टि ज्ञान से अभिन्न जो ज्ञेय है यही यहाँ को समझना चाहिए। एक ज्ञान का दृष्टिया तो क्या दिया अग्नि से अभिन्न है उसका दाही का शब्द, अग्नि से अभिन्न है उसके गाही का शक्ति, इसी प्रकार ज्ञाता से अभिन्न है उसका ज्ञातृत्व सामर्थ्य मतलब ज्ञानी है उसका ज्ञाता से अभिन्न है, इसलिए आप बोलते हैं नहीं विज्ञान विज्ञान दे विपरीलोक विद्यते अग्नि उष्णवत विज्ञान तो सर्व प्रकाशक ब्रह्मनो वेदांत वेद्यते न, एक पाठ हो गया है विज्ञाति शब्द विज्ञाति शब्द के द्वारा कहा गया है ज्ञान से ज्ञान है अनया इस वाक्य के द्वारा अनया इस वाक्य से श्रुति से आती तत्स्वरूप तो बोधना मतलब ये ज्ञान और ज्ञेय मतलब दोनों एक ही है स्वरूप ही है उसका ज्ञान उस ज्ञेय का ज्ञान और ज्ञाता का स्वरूप है अच्छा ज्ञान और भिन्न ज्ञेय बोध करता ज्ञान और ज्ञेय में भिन्नता नहीं ये बोली इसका बोध कराते हैं इसे दृष्टि का ऐसा समझना चाहिए। इसी को लेकर जो हमारे मैत्री ब्राह्मण जी को भी बता दें एक तरफ व्याक्रमण ऋषि बोलते हैं न प्रेत संन्यास और एक तरफ बोलते हैं नहीं विज्ञान विज्ञान न प्रेत संन्यास थी मतलब जो शरीर छूट जाएगा तब उसका ज्ञान नहीं रहता और इधर क्या बोलते हैं ज्ञान में कभी लोग नहीं होगा है ना, तो दोनों विरुद्ध मत दिखता है मतलब मैत्री बोलती है कि अरे आप तो मेरे मोह को निवारण करने के लिए मैं अत्र ही भगवान अमोह मोहन इस बात को से मैं मोहित हो रहा हूँ क्यों एक बार तो आप बोल रहे हैं कि न फिर तो संघर्ष के मतलब इसका चेतनता नहीं रहता शरीर छूट जाने के बाद और इधर क्या बोलते हैं उसका विघ्न को विघ्न न कैसे हो सकता है मंत्री तुमने अभी भी ठीक से समझ नहीं पाया हमारी बात को पहले बोलता क्या था मैं गैचक चैनल से निधि दिया मैंने जो बोल के व्याख्या कर उसके बाद थोड़ा अपने आप पुनर्निदर्शन करो तब समझ में आएगा। मैं ये बोला शरीर के साथ तादात मत छोड़ने के बाद इसका संघर्ष समझ में नहीं आता न प्रत्यक्ष संघर्ष इस अभिप्राय है शरीर के साथ तादात मत छोड़ने के बाद इसकी चेतनता समझ में नहीं आता परंतु इसकी चेतनता हमें समझ में इसीलिए शरीर को रहते रहते इसको समझने का अनुभव करने का इसीलिए भगवान मन करेगी
समय आया क्या? मन भी बोला ना प्रेत संगा स्थित, मतलब इस शरीर को छोड़ने का चेतना का यही मंतव्य है, मतलब शरीर के साथ तारात्मता छूट जाए तो चेतना का क्या अनुभूति नहीं होती, परंतु शरीर रहती रहती उस भगवान तत्व को मन पा सकते हैं, इसलिए बोलते हैं ये समझना उस ज्ञाता का चेतनता का, क्योंकि आपको स्थिति में आना है कि शरीर से तादात्म्यता छोड़ना है, शरीर रहते रहते अपनी शुद्ध चेतन तत्व को अनुभव करेंगे तब कहेगा तादात्म्यता छूटने का बाद भी अपनी पूर्ण तादात्म्यता संगत हो। इस प्रकार यही चीज है, मान लीजिए कि शिव तत्व क्या है, वो तत्व को यदि आप अपने आप दर्शन एक बार कर लिया किसी भी जगह पर, तब फिर आप रामेश्वर जो पैदल जो वाराणसी तत्व को दर्शन कर सकते हैं, यदि उसको नहीं समझ में आया तो वो दर्शन फिर तो यात्रा के पूर्ण मिलेगा, परंतु भगवान दर्शन नहीं एक एक जगह एक बार आपके आप यदि उस वस्तु को सुन, इस प्रकार मैंने आपके यहाँ पे पहचान दिया, यहाँ पे आया पहचान दिया, अब भारत में किसी भी जगह भारत में विदेश में कहीं भी जगह पर जाएंगे आपको देखने सुनने पहचानने वाला पहले पहचान दिया तो नहीं बता सकते, ठीक इसी प्रकार आत्मस्वरूप क्या वस्तु है शरीर को नहीं देने उसको पहचान, तब कहीं भी जाएंगे कैसी अवस्था में रहेंगे वो कभी भूलेंगे, वो भाव बनाए थे वो भाव बनाए थे, इसलिए हमें बोलते हैं नहीं विज्ञान को विज्ञान के अग्नि उष्णता उसका जैसा अग्नि की उष्णता की कभी रोक नहीं होता, इसी प्रकार उस ज्ञान स्वरूप आत्मा की ज्ञान का कभी भी मतलब नाश नहीं होता, ज्ञान हमेशा है वहाँ पे, जिस प्रकार एक हमारा इसमें आता है जिसमें पंचदशी में एक नाट्यद्वीप आता है, नाट्यद्वीप उस नाट्यद्वीप में दिखाते हैं कि नाट्यशाला में नाट्य की दर्शक सभी लोग कहते हैं प्रकाश सबका प्रकाश करते हैं, जिस समय नाटक समाप्त हो जाता है सभी लोग निकल जाता है वो किसके द्वारा देखते हैं तो उसी प्रकाश से देखते हैं, उसी प्रकाश से देखते हैं जिस प्रकाश में उस नाट्यशाला में रंगमंच के ऊपर नर्तकी को दिखा रहे थे और फिर जो उसको संचालन करने वाले को दिखा रहे थे और फिर जो है उसका व्यवस्थापक को दिखा रहे थे और जो देखने वाले को दिखा रहे थे जो प्रकाश, वही प्रकाश जब सब निकल जाते हैं तो उसको भी प्रकाश करते हैं, अब यहाँ भी भंग का तो नहीं तो चलाने वाला नर्तकी हो गया, मन बुद्धि हो गया उसका संचालक है ना, अब ये विषय सब देखने वाले ये सब जब नहीं रहेगा फिर भी होते आत्मा का प्रकाश रहेगा, आत्मा का प्रकाश रहेगा, नाट्य भी देखा छोटा प्रकार है पंचदशी पाँच दीप प्रकार में पहला दीप प्रकार नाट्य भी, इसी प्रकार यहाँ पे नहीं विज्ञान को विज्ञान के अग्नि उष्णवत केवल इतना ही नहीं विज्ञानमानंदम ब्रह्म, ये जो आपकी स्वरूप की अभिव्यक्ति ना आप देखिए हमारे स्वरूप की अभिव्यक्ति होती है तो परिच्छिन्न रूप में होती है, तो आनंद क्या होता है एक परिच्छिन्न रूप में सब कोई भी समझ, हमने कोई वस्तु को जाना जो समझ कोशिश कर रहे थे जानने का जैसे समझ लिया कुछ देर के लिए हमें कुछ आनंद अनुभव होती है, आपकी कोई अविष्ट वस्तु को प्राप्त करने के लिए कुछ देर के लिए आनंद, अनेक जन्म से प्रयास कर रहे हैं आत्मा को जानने अनेक जन्म, अब जिस क्षण आप उसको मतलब अपनी सत्ता की जो स्फूर्ति अपने अंदर स्वर्ष हो जाते ना वो अद्भुत आनंद निकाल रहे हैं, वो जो है वो विषयात्मक आनंद नहीं है, इसलिए वो आनंद कैसे नहीं कहा जा सकता परंतु आनंद रूप है, इसलिए श्रुतियाँ पे क्या हो गया विज्ञान वो जो व्यापकता है ना उसको मतलब व्यापक चेतन आनंदमय होता है, जो व्यापक चेतन परिच्छिन्न चेतन दुखमय होता है, व्यापक चेतन विज्ञान आनंद ब्रह्म विज्ञान मतलब जो व्यापक चेतन ब्रह्म मतलब व्यापक विज्ञान मतलब चेतन वो आनंद है, आनंद स्वरूप इसे होता है विज्ञान आनंद, केवल इतना ही नहीं सत्यम ज्ञान आनंद ब्रह्म है ना, जो सत्य काल अवाधकम सत्यत्म तीनों काल में जो बाधित ज्ञान मतलब जिसमें जड़ तो नहीं है आनंद मतलब अनंतम जो वही भूमा तत् सुखम आनंद मतलब इसमें वस्तु परिच्छिन्नता देश परिच्छिन्नता नहीं है वही ब्रह्म वही व्यापक तत्व है, मतलब शब्द शब्द के द्वारा काल परिच्छिन्नता की अभाव और ज्ञान शब्द के द्वारा जड़त्व की अभाव और आनंद शब्द के द्वारा वस्तु और देश परिच्छिन्नता की अभाव, इस प्रकार के तत्व है हमारा स्वरूप है इत्यादि श्रुति फिर इस प्रकार श्रुति वाक्य से ये समझना चाहिए, वहाँ पे देखिए टीकाकार क्या बोलते हैं तो वहाँ पे बोला ना अग्नि उष्णवत् अग्नि उष्णवत् दृष्टांत दिया टीकाकार उसको समझा रहे हैं सती अग्नौ तब आत्मकम औष्णव न विपरीरूप्यते तथा इति उत्तरम आह, ठीक है ना, देखिए जिस प्रकार जब तक आँख है
तब तक उसकी उष्णता कभी नहीं नाश होगी, जब तक आप है। अब हमारे यहाँ देखिए, जब तक आत्मा है ये उसमें हमेशा, इसलिए पहले बोल दिया सत्यम ज्ञानमनन का ब्रह्म, मतलब वहाँ पे देश परिच्छन्न का काल परिच्छन्न का नहीं है, दृष्टांत दृष्टांत में इतना ही भिन्नता है। क्या भिन्नता है? अग्नि एक परिच्छन्न वस्तु है, आत्मा परिच्छन्न वस्तु है, परंतु क्या है, जब तक अग्नि है तब तक मतलब प्रकाश है, इस प्रकार जब तक आत्मा है तब तक ज्ञान है, परंतु अग्नि परिच्छिन्न है, आत्मा परिच्छिन्न है, हमेशा ज्ञान है। तब आत्मी का विज्ञाति न विपरीत्यति, है ना, जब तक जानने वाला है तब तक उस जानने वाले का तो ज्ञान उसका रूप नहीं होता। सती विज्ञातरी, है ना, विज्ञात्री प्रतिपदिक है उसका सप्त, माता सप्त, मातृ सप्त का सप्त में एक वचन मातरी, इसे विज्ञातरी, है ना, जब तक वो है, जब तक वो है, ये सब सब नहीं बोलते हैं, तब के लोकेटिव अवसर हुई, जब तक कंडीशन अर्थ है, जब तक है, तदात्मिका विज्ञान उत्तर उसका स्वरूप जो ज्ञान है न विपरीत करके उसका कभी लोप नहीं होता। एकम अत्म, इसी विषय को ही, इस विषय के एकम अत्म उदाहरती, अतः दृष्टान्त न दृष्टान्त में प्रदेश दृष्टान्त द्वारा समझाया दिखा रहे हैं, ठीक है, इतना मात्र इस सके। जब देखिए क्या बोला, जब तक ज्ञातृत्व है, ज्ञाता है, तब तक ज्ञान वहाँ पर रहेगा, जब तक अग्नि जल नहीं है तब तक वहाँ पर प्रकाश अथवा प्रकाश नहीं, यहाँ पे जो है अग्नि की अधिष्ठान दृष्टान्त में ये भिन्न है, अग्नि की दाई का शक्ति तब तक ये जलती है तब तक हम बोले, यहाँ पे भी अग्नि है इस प्रक्रिया में, कभी अभी जला नहीं रहे हमने, क्यों यहाँ पे जलाया नहीं है, ठीक इसी प्रकार से इसे भी बोला कि सामान्य व्यक्ति को समझ में आएगा यहाँ पे लकड़ी है, जहाँ पे आग है नहीं आएगा समझ, इसी प्रकार वो लकड़ो नृत्य संज्ञा है, तुमको समझ में नहीं आएगा, शरीर के साथ तादात्म्यता छूट जाए तब क्या हो जाए, अपनी चेतना को समझ में नहीं आता, तो शरीर को रहते रहते विचार करके अपनी चेतना को समझ, फिर शरीर के साथ तादात्म्य होता है, अपनी चेतना का चेतन बनाने हमेशा अटेंड किया आगे यहाँ पे बोले थे कि विज्ञानम आनंदम ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि श्रुति, यहाँ पे जो आदि शब्द है प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि श्रुति संग्रहार्थम आदि पदम, है ना, जो ब्रह्म क्या है, चेतन है, प्रज्ञानम ब्रह्म, है ना, पता क्या है, चेतन है, अब तो आप पता आप अपने को चेतन मानते हो कि नहीं मानते हो, बस इसलिए तो ब्रह्म चेतन है, देखो इतना ही नहीं समझ पाते कि व्यापक चेतन है, चेतन व्यापक है और अशक्त है, ये नहीं समझ पाते हम आपके मन के द्वारा आपने अशक्त परिचिन्न, इसीलिए मन अमन होते ही ये आपको शुद्ध समझ में आ जाता है। प्रज्ञान स्मृति संग्रहार्थम, इस प्रकार की श्रुति वाक्यों को ग्रहण करने के लिए भगवान भास्कर आदि दिया है, आदि पद कहाँ है, सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि वहाँ पर जो आदि शब्द श्रुति, फिर आगे बोलते हैं ज्ञान अभिन्नम इति उक्तम स्फुरेति, ज्ञान और ज्ञान अभिन्न है, ज्ञान अभिन्नम ज्ञानम इति उक्तम, जो कहा उसको स्पष्ट कर रहे हैं, ज्ञान ज्ञान अभिन्नम इति उक्तम स्फुरेति, जो पहले लाइन में जो कहें करके आया ज्ञान अभिन्नम प्रत्यक्ष के उसी को स्पष्ट करके कहना चाहते हैं सेकंड लाइन ब्रह्म ज्ञान अभिन्न इत्तम अभिन्न प्रत्यक्ष तस्य एव विशेषणम, भाष्य में तस्य एव विशेषणम, मतलब जिस ज्ञान स्वरूप को आप जानना चाहते हैं उसी की विशेषण है क्या है, वो ब्रह्म है, ब्रह्म मतलब निर्विषय व्यापकता, ब्रह्म शब्द है वृद्धि वृद्धो वृद्धि वृद्धो का विषय बनता है, मतलब आगम होता है वेद है निर्विषय व्यापकता, मनित प्रत्यय जो है निर्विषयता को बोध करने निर्विषय व्यापकता, यहाँ पे विश्व अतिक्रमण करके कोई व्यापक तत्व नहीं हो सकता, तस्य एव विशेषणम, उसके भीतर है ब्रह्म मतलब उस ज्ञान का, ब्रह्मतः निर्विषय व्यापकता, अग्निवत अभिन्नम, है ना, उष्ण का जैसा अग्नि में उष्णता उसी प्रकार उस ज्ञेयों में ज्ञान, मतलब ज्ञान स्वरूप चेतना था, ज्ञेयों में चेतना था, इसलिए ब्रह्म ज्ञेय
जस्य वो ब्रह्म देव है जिसका इसका जिस ज्ञान का मतलब ब्रह्म देव जस्य वो कौन है स्वस्व अपने आप है अपने आप अपने को जानते हैं स्वस्व तरिलम ब्रह्म वही ये ब्रह्म देयम अब जैसे अग्नि की उष्णता को अग्नि नहीं जानते अग्नि की उष्णता को उसका फिर न कोई व्यक्ति जानते अग्नि भी देखो अंतर जाने ब्राह्मण ने क्या बोला कि पृथ्वीया पृष्ठा पृथ्वीया अंतर एवं पृथ्वी ना बिंद जस्य पृथ्वी तेज यम पृथ्वी अंतर जमया एष ते आत्मंतर जान पृथ्वी देवता भी उसको नहीं जान पाते हैं जब विज्ञान पृष्ठम विज्ञान अंतर विज्ञान अंतर जमयति एष ते आत्मा ऐसा करते हो जाते इसीलिए यहाँ भी ऐसे ही है अग्नि जो है अपनी उष्णता को नहीं समझ पाते क्योंकि अपने आप में जब उसको भी समझ यहाँ भी ऐसा नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं अपने आप स्वस्थ अपने आप अपने को समझते हैं यहाँ पे ब्रह्म ज्ञेयम जस्य स्वस्य तदिदम जो अपने आप का अपने को अपने आप जानते हैं इसलिए तदिदम ब्रह्म वही ये ब्रह्म ज्ञेय है ज्ञेयम औष्णस्य एव अग्निवत अभिन्नम इस प्रकार देखिए औष्णस्य उष्णता का इव उष्णता जैसा अग्निवत मतलब अग्नौ अग्नि में जैसा उष्णता अभिन्न है अग्नि में जैसा उसको उष्णता अभिन्न औष्णस्य इव मतलब उष्णता के समान अग्निवत अग्निवत मतलब अग्नि में जैसा अग्नि में जैसा रहते हैं इव और वत दोनों को मतलब ये नहीं समझना कि अपने का अपने अभी भी बता देंगे इसको अभिन्न उसको क्या है अभिन्न रूप है यहाँ पे इव और वत दो प्रयोग किया हुआ है ठीक है ना वत हो गया अग्नौ इव हो गया उष्णता जैसा अग्नि में जैसा उष्णता इसी प्रकार स्वरूप में चेतनता अग्नि में जैसा उष्णता ऐसे ही स्वरूप में चेतनता अभिन्न है उसी का अपने आप ही जानते हो मेरे दो नंबर तीन नंबर चार नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ रहा है ठीक है स्वस्व ज्ञेयम ज्ञेयम यस्य सस्व तदिदम दो नंबर सस्व ब्रह्म स्वरूप भूतस्य ज्ञानस्य ठीक है ना ब्रह्म का स्वरूप जो व्यापकता की स्वरूप भूत जो ज्ञान है चेतनता है उसी के लिए तीन नंबर औष्णस्य इव अग्निव वहाँ पे देखिए औष्णस्य इव इति ठीक है यथा औष्णस्य तथा ज्ञानस्य ठीक है उष्णता क्या हो गया उस अधिष्ठान में ब्रह्मरूपी अधिष्ठान में ज्ञान चेतना था ठीक है ना इसी प्रकार उष्णता तथा ज्ञानस्य इति ज्ञान उपमान में ज्ञान की उपमान ज्ञान की तुलना क्या दिया उष्णता के द्वारा कहाँ उष्णता है अग्नि में उष्णता है इसी प्रकार ज्ञान है कहाँ में हमारा स्वरूप ठीक है ना इसमें बोलते हैं जाता औष्णस्य तथा ज्ञानस्य इति ज्ञान उपमान अग्निवत ठीक है अग्निवत इति अग्नो इति अर्थ अग्निवत मतलब क्या हो जाएगा अग्नो कौन सा विभक्ति है शब्द में मतलब अग्नि में अग्नि में अग्निवत मतलब जैसे अग्नि में उष्णता ऐसे स्वरूप में अज्ञानता ज्ञान स्वरूप में ज्ञान इसलिए ज्ञान को बोला है उष्णता के समान इसलिए हम लोग बोलते हैं अग्नो इति अग्निवत इति अग्नो इति अर्थ सप्तमी अंतात वत ये जो वत वत शब्द अग्निवत बोला ये सप्तमी अंत में प्रयोग किया गया है ना मतलब सप्तमी विभक्ति के बोधक में सप्तमी अंतात वती मतलब कहता जथा अग्नो तथा ब्रह्मणि ठीक है ना जैसा अग्नि में वैसे ही ब्रह्मणि ब्रह्मण प्रतिपदिक उसका सप्तमी एक वचन है ब्रह्मणि इति ब्रह्म उपमानम इति एवं इसलिए हो गया मतलब ब्रह्म हो गया अग्नि के स्थान में और चेतनता हो गया ज्ञान मतलब उष्णता के स्थान ज्ञान हो गया उष्णता के स्थान ब्रह्म उपमान इति एवं अब आगे क्या लिखा है टिप्पणी में बोलो हेलो उसको हाँ इति एवं उसके आगे क्या लिखा है यहाँ पे दो शब्द है ना वती और इव वती इवाभ्याम शब्द कैसे प्रयोग करते हैं वती इवाभ्याम वती इवाभ्याम अग्निवत और इव दो शब्द है ना यहाँ पे द्विवचन प्रयोग किया न वती इवाभ्याम कौन रूपतम प्रतिपति का वतिश्च इवश्च वती इव है ना तो उसका षष्ठी यदि मतलब तृतीय द्विवचन वती इवाभ्याम यहाँ पे बोलते यहाँ पे वति इवाभ्याम पुनरूप तमिति अवधि यहाँ पे कोई पुनरुक्ति नहीं है क्यों पुनरुक्ति नहीं है इस प्रकार अग्नि में उष्णता तो अग्नि में समझाने के लिए वति प्रत्यय दिया मतलब अग्नो और उष्णता वहाँ पे क्या हो जाएगा इव मतलब उष्णता के समान अग्नि में उष्णता के समान इसी प्रकार ब्रह्म में चेतनता
अग्नि में उष्णता के समान स्वरूप में मतलब ब्रह्म में चेतन ज्ञान। ठीक है, इसलिए यहाँ पे पुनरुक्ति दोष ने बत्ती और इव पर देश कहते हैं ना, तो इव भी बोला और बत भी बोला। ठीक है ना, तो इव की उपमा हो गया ज्ञान के साथ और अग्नि की उपमा हो गया ब्रह्म के साथ। इस प्रकार से यहाँ पे बोलते हैं वथी इवाभ्याम पुनरुक्तम न पुनरुक्त अवधेयम। ठीक है, समझ में तीन नंबर टिप्पणी तथा औष्णस्य तथा ज्ञानस्य उपमानम। जिस प्रकार अग्नि में उष्णता, उस उष्णता के स्थान में यहाँ पे ज्ञान दे, और ज्ञान कहाँ रहते हैं ब्रह्म का, तो कथा में ब्रह्म। इसलिए बोलते हैं अग्निवत इति अग्नो इव इति अर्थ, अग्निवत मतलब जैसे अग्नि में, अग्नो इव जैसे अग्नि में रहता है इति अर्थ मतलब सप्तमी अंत अधवती यहाँ पे वती प्रत्यय सप्तमी अंत। जिस प्रकार अग्नि में जाता अग्नो तथा ब्रह्मणी, इस प्रकार अग्नि में वैसे यदि ब्रह्म उपमान हमारे मतलब अग्नि के स्थान में हो जाएगा ब्रह्म मतलब व्यापकता और उसमें रहने वाले ज्ञान मतलब चेतन। इस प्रकार अग्नि में उष्णता, इसलिए यहाँ पे इगो और झगवत इसमें कोई पुनरुक्ति दोष नहीं हुआ। देखिए अभी लिख के गया, हम लोगों को पढ़ के समझना भी कितना कठिन कितना शब्द को गुरु के पास पढ़ते कितना सूक्ष्म विचार करके तब जाकर के शब्द को कितना विचार करके तब जाकर के और जो हमें इसमें देखते थे सुना कि आप जो पढ़ाते थे ये मीमांसा की न्याय की व्याकरण सब पुस्तक होगा तो ये कहीं भी कुछ होगा तो आगे बढ़ने में उनका कोई वो नहीं रुबंध कब समाप्त होगा। 12 साल मेरे दादा को परशुराम ने गुरु जी के पास कर 12 साल के बड़े तब जाकर कैसे लिखते तेन आत्मस्वरूपेण आप आगे आने दो तीन चार पढ़िए तेन आत्मस्वरूपेण अजेन ज्ञानेन अजम कियम आत्मतत्व स्वयं विबुद्धते मतलब अवगच्छति। उस आत्मस्वरूप के द्वारा जन्म रहित आत्मस्वरूप के द्वारा और आत्मस्वरूप का ज्ञान स्वरूप है उसके द्वारा जन्म रहित जो ज्ञान ब्रह्म है वो भी जन्म लेता है। वो क्या आत्मातीत आत्मा के अंदर तत्व व्यापक तत्व विद्यमान है स्वयं विबुद्धते अपने आप ही जाना जाता है मतलब अवगच्छति बोध होता है। नित्य प्रकाश स्वरूप इव सविता कैसे बोलता है कि जैसे सविता की प्रकाश नित्य प्रकाश है ना, उसको प्रकाश करने के दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कि आत्मस्वरूप का जो प्रकाश नित्य प्रकाश है उसके प्रकाश करने के लिए मन बुद्धि आदि की आवश्यकता नहीं है। अभी तो वस्तु को ज्ञान के लिए तब मन बुद्धि इंद्रिय की आवश्यकता होती है, तब विपरीत ये जब तक शुद्ध नहीं होता ये प्रतिबंधक बना रहे प्रतिबंधक बना रहे ये हमारी गलती नहीं है। भगवान ने ऐसा बनाया परांजी खाली व्यक्ति न स्वयं दसमान परामर्श दिनाम ये जो है भगवान ने ऐसा बनाया है खेल रचने के लिए। जैसे बच्चे लोग नहीं खेल खेलते हैं कि एक आँख बांध देते हैं और फिर जो है और अपने आप अलग अलग जगह छूट जाता है, कहीं से कोई आवाज़ करता है कहीं से कोई आवाज़ करता है बोले होंगे ऐसे भगवान के माया के पति हमारे आँख में बांध दिया। अब माया की पति माना मतलब क्या इंद्रियों को बही भूमि बना दिया और क्या अपने आप अंदर छूट गए। जब तक मैं बैठ कर आवाज़ कर रहे हैं मैं कर पर इधर मैं नहीं देखता विषय के साथ मैं दिखाई पड़ता है, मैं घर को जाना मैं पद को जाना मैं मन को जाना मैं हमारे को जाना। यही जो है इस खेल के साथ भगवान किसी खेल में देखिए जब समय होगा तो भगवान ही निकाल देंगे। नित्य प्रकाश स्वरूप एक सुविधा जैसे सुविधा नित्य प्रकाश है इस पर हमारे ज्ञान में नित्य स्वरूप है। नित्य विज्ञान एक रस घनत्वात् नित्य विज्ञान रूप है और एक रस घन है ना, उसमें अनेक रस नहीं है एक रस है और वो रस कैसे है घनीभूत रस है। जिस प्रकार मान लीजिए इसके अंदर अब यहाँ पर देखने से ठोस लग रहा है बैठे सो मेनी इंटर मॉलिकुलर स्पेस इसे ठीक है ना, मतलब इस आत्मा में ऐसा कुछ स्पेस नहीं है बिल्कुल मतलब ठोस में एक रस है घनीभूत अवस्था होता है। नित्य विज्ञान एक रस घनत्वात् न ज्ञानांतरम अपेक्षा इसलिए उसका भी ज्ञानांतर विभिन्न ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखते की बात थोड़ी इसके अभी कोई करते हैं। अच्छा में कहा था किस लाइन तक पढ़े थे हमने प्रज्ञान ब्रह्म किस ये अभिन्न के उत्तम स्पोर्ट आत्मन स्वयं एवं
अवगति रूपत्वा आत्मा स्वयं बोध स्वरूप होने के कारण आत्मा स्वयं एवं अवगति रूपत्वा आत्मा स्वयं बोध स्वरूप होने के कारण न अर्थांतर अपेक्षा वो किसी विषय आपने बोध के लिए कि विषय अंतर की अपेक्षा नहीं करता है। देखिए अर्थांतर न तो करण नहीं बोल रहे हैं न कर्णांतर अपेक्षा न तो आपके सामने आपका इंद्रिय विषय बन जाता है हमारी इस समय से। देखिए आँख देखती है कि नहीं देखते हैं कौन जानते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे मेरा आँख में कोई कमी है, डॉक्टर आपके आँख के सामने चूड़ी लगा देगा और फिर पूछेगा उधर बदल कर आप ही से पूछेगा दिखाई दे रहा है, फीस कौन देगा डॉक्टर जी आप पूछेगा भी आपसे फीस भी आपसे देगा फिर डॉक्टर जी क्यों एक अंदर के भ्रष्टा बैठा हुआ है नहीं देखते मतलब सारा इंद्रिया आपका विषय बन जाता है। इसीलिए इस आत्मा को जानने के लिए कोई विषय अंतर की अपेक्षा नहीं है। नित्य विज्ञान एक रस घनत्व नित्य विज्ञान एक रस घन होने के कारण न ज्ञानांतर अपेक्षा दूसरा किसी विज्ञान की अपेक्षा नहीं रखता है। यदि इसका अभिप्रेत अर्थ है इन रूप हैं स्वयं एवं अवगति रूप न अर्थांतर अक्षेत एकदम अर्थम दृष्टांत न स्फूट है इसी विषय को दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। क्या दृष्टांत है नित्य प्रकाश स्वरूप सविता के दृष्टांत जैसे कभी सविता शुरू के नित्य प्रकाश स्वरूप है ये प्रकाश करने के लिए किसी का अपने को प्रकाशित करने के लिए दूसरे को किसी प्रकाश की अपेक्षा नहीं है ऐसे यहाँ भी समझना चाहिए। यहाँ पे देखिए पाँच छः सात तीन टिप्पणी है छोटा छोटा टिप्पणी है एक इति पांच नंबर एक रसघन एक मतलब अभिन्न मतलब ज्ञान और ज्ञान अभिन्न है ठीक है। एक दूसरा रस मतलब आनंद रस है यहाँ पे ये आनंद है कौन सा रस है आनंद रस है यहाँ और न अर्थांतर मतलब स्व अवगतो अपने बोध के लिए दूसरा किसी की अपेक्षा नहीं रखता आप वो तो सभी को समझ में आता है आप सभी को छोटा बच्चा को भी बोला है कि नहीं है नहीं मैं हूँ मतलब अपने अस्तित्व को लेकर अपने बोध में किसी को कोई डाउट नहीं रहता केवल इतना ही है कि मैं हूँ क्या वस्तु हूँ ये समझ में अपने अस्तित्व समझना व्यापक है ये समझ में नहीं रहता वो शास्त्र गुरु आचार्य के बाद बार बार मनन करने का ठीक है। आज लास्ट वाला है ठीक है ना जब प्रज्ञा लोका भाषा प्रतिहत्यागम शान्तस्तमोहान्धकारम् मज्जोन्मज्ज च घोरे यशक्ति उपनयनमुदम्बति प्राशनने यत्पादौवास्तिकानां सुदिशमभिनय प्राप्तिरग्राह्यमो न तत्पादौ पावनीयौ भवदिनतो सर्वभावे पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते ॐ शान्ति 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 शंकरं शंकराचार्यं केशवं वाग्नारायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुराज्ञेति मूर्तिभेदविहारिणे व्योम